हाय गाइस, मैं हूं सवराज। थैंक्स फॉर टूनिंग माय टुडेज वीडियो। और आज हम मेरे बालों को सेट करने वाले हैं बिना कोई प्रोडक्ट को यूज़ किए। मेरे बालों के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम बनाएंगे। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि थिन बालों के अंदर कैसे वॉल्यूम बनाएं, सॉफ्ट बाल हैं तो कैसे वॉल्यूम बनाएं, तो आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे। नाउ मेरे खुद के बाल भी काफ़ी ज़्यादा थिन हैं, मेरे बाल जो है थिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छी वॉल्यूम बना लेता हूँ, तो कैसे वो आज हम देखेंगे। पहले हम लोग कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो एक टोटली नेचुरल होगा, कोई हेयर प्रोडक्ट के बिना करेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हेयर प्रोडक्ट से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं, या फिर आपको हेयर प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं अच्छा लगता, आपके पास हेयर प्रोडक्ट है नहीं, तो फिर ये वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। नाउ पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो होगा एक कोई भी ब्लो ड्रायर। नाउ ये मेरे पास जो है पैनासोनिक का 1500, तो इसको यूज़ करने वाले हैं। बालों के अंदर, थिन बालों के अंदर जल्दी वॉल्यूम नहीं बनती है, तो इसके अंदर हम वॉल्यूम बनाएंगे। पहले आपको बालों को हल्का सा वेट कर लेना है, जैसे मैंने किया है। इतना ज़्यादा गीला मत कर देना कि पानी टपक के, हल्का वेट करना है एंड देन इसको आपको यूज़ करना है। अब आप इससे जितनी चाहें उतनी वॉल्यूम बना सकते हैं, मैं इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बनाऊँगा, मैं एक नॉर्मल वॉल्यूम बनाऊँगा। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे बालों के अंदर बीच में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी बन गई थी, लेकिन मुझे उतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने वॉल्यूम को थोड़ा लाइट डाउन कर दिया, थोड़ा कम कर दिया और बालों को अच्छे से सेट कर दिया। ना ये बाल काफ़ी अच्छा होल्ड भी रहेगा जब आप अच्छे से ब्लो ड्राई करते हो। पहले आपको हीट सेटिंग जो है मीडियम हीट करनी है, और बाद में एंड में हमेशा जो है ठंडा हवा जो होती है, कूल हवा, उसको भी हमेशा यूज़ करना है, वो अच्छे से बालों को लॉक करेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर देना लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।